welcome back to the channel once again and today's video is also a home decor related video and aaj main aapke saath mera experience share karne ja rahi hu on buying a new sofa. So this video will be a guide on buying a new sofa. Agar aap bhi ek naya sofa kharidne ke liye soch rahe ho, this video is going to be helpful to you. To chaliye video ko start karte hain. Now those of you who are new to my channel, मैं थोड़ा background दे देती हूँ. Few days back, I had shared a video on my living room tour and मैंने बताया था कि मैंने अपना sofa change किया है. एक नया sofa मैंने खरीदा है and मैंने अपना पुराना sofa को replace कर दिया है. And आपको मैंने पूछा था कि अगर आपको जानना है कि क्या क्या चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा है या फिर आपको क्या क्या याद रखना होगा बिफोर यू बाई अ न्यू सोफा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया उसके ऊपर, आपको जानना था कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा बिफोर यू बाय अ सोफा. नाउ डू यू नो दैट एन एवरेज पर्सन सिट्स ऑन अ सोफा ऑन एन एवरेज 4 आवर्स एवरी डे. इतना ज्यादा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं सोफा के ऊपर, मे बी लिविंग रूम में. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फर्नीचर है एंड ऑल्सो ध्यान में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो सोफ़ा हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारे फैमिली के लिए या फिर हमारे डे टू डे यूज़ के लिए परफेक्ट पीस ऑफ फर्नीचर हो ना. इसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा, एक तो है कम्फर्ट एंड सेकेंड इज ड्यूरेबिलिटी, मतलब आपका सोफ़ा कितना कम्फर्टेबल है एंड सेकेंडली कितना ज़्यादा दिन तक वो टिकेगा. तो कैसे ये हम लोग कन्फर्म करें, तो कुछ 4-5 पॉइंट का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग हमारे लिए एक आइडियल सोफा खरीद पाएंगे. नाउ अ सोफा कंप्राइजेस ऑफ मेनली 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज फ्रेम. नाउ फ्रेम इज द स्केलेटन ऑफ द सोफा, जो उसका स्ट्रक्चर है. तो मार्केट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर के ऊपर, लाइक प्लाईवुड, इंजीनियर्ड वुड और MDF एंड ऑल्सो सॉलिड वुड लाइक मैंगो वुड, शीशम वुड. तो बजट के ऊपर भी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सके ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट अ सॉलिड वुड स्ट्रक्चर, मतलब शीशम वुड या मैंगो वुड सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए रैदर देन सिलेक्टिंग अ इंजीनियर्ड वुड. क्योंकि इंजीनियर्ड वुड में क्या होता है, बीच में गैप रहता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है. और अगर स्ट्रक्चर ही ड्यूरेबल नहीं रहेगा तो द पीस ऑफ फर्नीचर विल ऑल्सो नॉट बी ड्यूरेबल. तो ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर सॉलिड वुड स्ट्रक्चर इफ योर बजट परमिट्स. नाउ फ्रेम के बाद जो आता है वो है फोम. नाउ वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट हाई रेजिलियंस एंड हाई डेंसिटी फोम. आपके फोम का जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा वो कम्फर्टेबल एंड ड्यूरेबल होगा. सो आस्क दिस क्वेश्चन वेन यू आर चूजिंग अ फर्नीचर. मतलब अगर आप रेडीमेड फर्नीचर खरीद रहे हो तो जो शॉप है वहाँ आप ये क्वेश्चन रेज करो. कस्टम फर्नीचर अगर आप बना रहे हो, ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू योर कारपेंटर या फिर द कंसर्न पर्सन and look for the options. Now if you choose a foam which is high resilience and high density, it will be long lasting and sag free. मतलब बहुत दिन use करने के बाद भी आपका sofa saggy नहीं हो जाएगा. जो next point आता है वो है fabric. Now you should choose a fabric which will have high thread count and high rub count. तो इसे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपका सोफा एंड ड्यूरेबल भी होगा. तो फैब्रिक में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएगा मार्केट में, जैसे लिनन, वेलवेट, कॉटन, लेदरेट एंड ये सारे ऑप्शंस आपको सिंथेटिक एंड नेचुरल मटेरियल में मिल जाएगा. या फिर आप एक मिक्स भी खरीद सकते हो, लाइक मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल. नाउ आजकल सोफा बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में आता है, जैसे नॉर्मल सोफा हो गया, सोफा कम बेड हो गया, लाउंज चेयर्स हो गया, नॉर्मल लाउंजेस हो गया, एल शेप्ड सोफा हो गया, बेंचेस हो गया, ऑटोमन्स हो गया. बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज में आजकल सोफा मिलता है. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सपोज इफ यू वॉन्ट अ सोफा फॉर योर फैमिली रूम जहाँ आप रिलैक्स करोगे, यू विल मे बी वॉच टीवी, आप फैमिली टाइम स्पेंड करोगे, इन दैट केस यू शुड एक्चुअली लुक फॉर अ डीप सोफा जहाँ यू विल गेट ऑप्शन ऑफ लाइंग डाउन एंड मे बी हैंड रेस्ट एंड यू कैन रिलैक्स एंड वॉच अ टीवी एंड स्पेंड सम गुड टाइम विद फैमिली. तो ऐसे सोफा में क्या होगा, थोड़ा डीप होता है, उसका हाइट उतना ज्यादा नहीं होता है. अगर आप बैठोगे तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अप, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है. ऑन द अदर हैंड अगर आपको एक फॉर्मल प्लेस के लिए सोफा खरीदना है, सपोज यू वॉन्ट टू गेट अ सोफा जहां आप मीटिंग्स करोगे या फिर नॉर्मली योर फॉर योर वर्क प्लेस या फिर अगर
यू नो काइंड ऑफ अ फॉर्मल एनवायरमेंट. तो आपको ऐसा सोफा खरीदना चाहिए बेसिकली जिसका डेप्थ उतना ज्यादा नहीं हो, हाइट ज्यादा हो, मेटेरियल जो है थोड़ा फॉर्म हो ताकि आपकी बैक को सपोर्ट मिल पाए प्रॉपर तरीके से, एंड इट विल बेसिकली हेल्प यू टू सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हैव मे बी फॉर्मल कन्वर्सेशंस. एंड आप अगर वहाँ बैठते हो तो उठने में भी आपको उतना परेशानी नहीं होगा. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कलर. कैसा कलर हम लोगों को चूज करना चाहिए फॉर आर सोफा. लाइक इफ यू आर हैविंग किड्स और सपोज पेट्स एट योर होम, यू शुड ऑलवेज गो फॉर डार्कर कलर एंड ऑल्सो प्रोबेबली विद अ सोफा विच विल हैव टेक्सचर एंड पैटर्न्स ऑन इट, सो दैट कोई भी डर्ट या डस्ट बहुत आसानी से छुप जाए. और ऑन द other hand, for a young couple or for a workplace, you can actually go for a lighter color as well. Next and the last point, and which is you know very important point, is budget. हम लोगों की budget कितनी होना चाहिए. Now again, इसके लिए कोई straight forward answer नहीं है. Living room में सबसे important जो furniture होता है वो है sofa. So we should actually look for spending at least 15-30% of our entire living room's budget on sofa. That's a decent amount which you can spend on your sofa. But mostly the cost of the sofa will depend on two things, the manufacturer and the fabric. Now if I talk about feather cushions are very comfortable, gives a very aristocrat feeling, but at the same time they are not that durable and little bit of costly. Now if you know there are also fabrics which will be spill proof, matlab if you have a spillage or something, that fabric will not soak that liquid. So yeah, those kind of fabrics are also there and that will cost you more. On the other hand, there is foam cushion bahut zyada durable hota hai and at the same time budget friendly bhi hota hai, but probably they can't match the comfort level of फेदर सोफा. तो चलिए अभी जब हम लोगों ने ये सारे पॉइंट जान लिया है, मैं अपना सोफा आपको दिखाती हूँ एंड मैं ये भी बताती हूँ क्यों मैंने ये पीस ऑफ फर्नीचर खरीदा. ओके, नाउ दिस वाज माय ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर, जो पुराना सोफा रहता था. एंड आप अगर देखेंगे फैब्रिक मैंने चेंज किया है. जो फर्स्ट एंड मेजर रीजन था चेंजिंग ऑफ दैट सोफा वॉज ऑल्सो फैब्रिक. नाउ ये जो फैब्रिक आप अभी देख रहे हैं, यहाँ आपको पता चल रहा होगा लॉट्स ऑफ डस्ट इज एक्यूमुलेटेड. आई मीन ये जो फैब्रिक है बहुत ज्यादा डस्ट अट्रैक्ट करता था, तो बहुत ही मुश्किल होती थी मेरे लिए इसको मेंटेन करना. आई हैड टू लिटरली क्लीन इट एवरी वीक एंड उसके बाद भी बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता था. सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस वेयर आई वांटेड टू चेंज द फैब्रिक एंड चेंज द सोफा. नाउ ये जो नया सोफा है एंड ये जो फैब्रिक आप अभी देख रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ अ वेलवेटी फैब्रिक, जहां आपको बहुत ही ज्यादा एक वेलवेटी काइंड ऑफ फील आएगा इफ यू टच इट. नाउ ये सोफा खरीदे हुए मुझे मोर देन 3 मंथ्स हो चुका है. आई कैन सी कि जो डस्ट एक्यूमुलेशन है इट्स वेरी लेस देन द अदर फैब्रिक. नाउ कम्स टू द कलर, क्यों मैंने ये कलर चूज किया. पहले जो मेरा कलर था दैट वॉज अ डार्क कलर, लाइक अ डार्क ब्लू कलर. और इसका कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट है डार्क कलर सिलेक्ट करने का. एक तो है कि गंदगी उतना दिखती नहीं है, ये सही बात है, बट अगर डस्ट एक्यूमुलेशन होता है ना ऊपर से आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा. नाउ जो कलर मैंने अभी सिलेक्ट किया है इट्स काइंड ऑफ अ ग्रेइश कलर. यहाँ क्या होता है, ऑब्वियसली अगर मैंने कुछ स्पिल किया, इफ आई स्पिल टी और कॉफी, तो दिख ही जाएगा एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऐसा ना हो. बट यहाँ डस्ट एक्यूमुलेशन होने के बाद भी जितना भी होता है वो नहीं दिखता है, तो मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है. थर्ड थिंग, क्यों सोफा हमने चेंज किया. फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस हमने एक सोफा कम बेड बनवा लिया. तो जैसे आप अभी देख पा रहे हो, वी कैन इजीली पुल आउट द सोफा. बहुत ही इजी है इस सोफा को टू कन्वर्ट इट इनटू अ बेड. काफी आसानी से टू पीपल कैन स्लीप इन दिस सोफा. इट जस्ट बिकम्स अ क्वीन साइज बेड. सो या इफ यू आर हैविंग अ स्पेस कंस्ट्रेंट या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा गेस्ट आते हैं, तो सोफा कम बेड इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस विच यू कैन ऑप्ट फॉर. तो हम लोगों की एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द सोफा कम बेड वॉज गुड. नाउ वॉट वॉज नॉट गुड दैट आई विल शेयर विद यू. मुझे कुछ कुछ रिक्वेस्ट आए थे इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो इन द लास्ट वीडियो इन लिविंग रूम टूर, एंड पीपल वेर आस्किंग मी और रेकमेंड की
कहाँ से मैंने ये सोफा बनाया है. सो द ओनली रीजन वाई आई हैव नॉट मेंशन द पर्सन नेम या फिर जो कंपनी था उनका नेम, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रिकमेंड दैट कंपनी टू यू, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द होल फर्नीचर यू नो बिल्डिंग इज नॉट एट ऑल गुड. लाइक वी डिडंट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को बहुत ही ज्यादा व्हाट शुड आई से अलर्ट रहना पड़ा थ्रू आउट द होल प्रोसेस, बिकॉज हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट उनके साथ शेयर किया था एंड द काइंड ऑफ फर्नीचर दे वेयर सपोज टू डिलीवर वॉज नॉट same at all. The density of the foam was very less which they were delivering. तो इतना कम density था कि हम लोगों को लगा normal बहुत ही कम density वाला जो mattress होता है वैसे ही feel आ रहा था. So we literally had to go to the workshop and then वहाँ जाके फिर से हम लोगों को inspect करना पड़ा, उनको समझाना पड़ा what was going wrong and बहुत ही ज़्यादा time इसमें invest करना पड़ा and उसके बाद जाके this sofa was delivered. They finally rectified whatever was going on. So that is the reason then I won't recommend you guys that company or that person. बहुत सारा online options आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा research करते हो, आपको different kinds of option मिल जाएगा. And also last में मैं एक tip आपको देना चाहूँगी, अगर आप भी मेरे तरह apartment में रहते हो, you don't have a very spacious living room but a moderate one, then you can go for this kind of a chair. Now why I have made this chair instead of buying a single sofa is the look and feel of this chair. बहुत ही ज़्यादा slick लुक है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत ही ज्यादा एक बल्की फर्नीचर नहीं खरीद के आप ऐसे स्लिक फर्नीचर भी खरीद सकते हो. एंड उससे क्या होता है आपका लिविंग रूम ना उतना ज्यादा भरा भरा नहीं रहता है, थोड़ा ज्यादा स्पेसियस रहता है. सो यस, दिस इज ऑल, दिस इज एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर. मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी रिसर्च मैंने किया था बिफोर बाइंग माई सोफा, आज मैंने आपके साथ शेयर किया. एंड आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. एंड अगर आप सोफा खरीदना चाहते हो, यू कैन रेफर टू दिस वीडियो एंड शेयर करना इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड कमेंट करके बताना अगर आपका कोई सजेशंस है या फिर आपका कोई फीडबैक है. आई ऑलवेज रीड ऑल योर कमेंट्स, सो लीव अ कमेंट एंड दैट विल मेक माई डे. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस जरूर करना ताकि आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जाए. तो चलिए आज मैं विदा लेती हूँ, यू टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय. हमारी सोफा जो है, ओल्ड सोफा जो है, द ओल्ड सोफा इज गेटिंग रिप्लेस्ड टुडे एंड वी प्रैक्टिकली यूज दैट स्पेस एज अ डाइनिंग स्पेस ऑल्सो. एज यू कैन सी द पीपल हु आर गेटिंग इट, वो लोग अभी आने वाले हैं. सो आई थॉट ऑफ टेकिंग द वीडियो बिफोर दे कैन एक्चुअली टेक इट अवे. सो आई थिंक विद इन वन आवर सो दे विल रीच. So yeah, little bit of strange feeling because this is the first ever furniture that we got, like the first sofa that we got in this house, and it feels literally weird that now it's getting replaced. I think light is not proper, but hoping to get the new sofa as soon as possible. Let's see how that turns out.